आई अपेयर इन यू पी पी एस सी टू थाउजेंड नाइन गोट गॉट दोस्ट तहसीलदार एंड दिस ईयर आई अपेयरिंग ओके आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया ग्रेजुएशन किया हुआ है और किया है आपने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से तो मैं जानना चाहता हूँ इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है सर इंजीनियरिंग में सर बेसिकली हम लोग सर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का अपलीकेशन होता है इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग रिसर्च रिसर्च ऑरिएटेड रहते हैं और टेक्नोलॉजी सर इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग टेक्नोजी क्रिएट करते हैं उसका उसका अप्लीकेशन सर टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं और कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं इसके बारे में सर इंजीनियरिंग सर एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कैसे कि सर एक डोमेन है स्टडी का और सर टेक्नोलॉजी सर एक एप्लीकेशन है ओके तो अभी जिस तरह से कोरोना फिर से उसकी एक सेकेंड वेव आ गई है और फैल रहा है तो उसको रोकने में मान लीजिए अगर आपको एस बना दिया जाए ठीक है नायब तहसीलदार ऑलरेडी आप सेलेक्ट हो गए हैं और सरकार आपको कहे कि अपनी टेक्नोलॉजी के इस नॉलेज को यूज करके ठीक है ना कोरोना को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे अगर आपको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है तो सर टेक्नोलॉजी का हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं कैसे कि जब हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती है वो सब मोबाइल के लोकेशन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो तो ऑलरेडी हो रहा है आरोग्य सेतु ऐप से ऑलरेडी हम कर रहे हैं और क्या कुछ नया आप कर सकते हैं Sir, कैसे कि जागरूक कैसे कि आजकल देखिए देखा जाता है कि लगभग सभी लोगों के पास जो स्मार्टफोन्स हैं लेकिन मैक्सिमम लोग अभी जागरूक नहीं है कि कैसे कि कैसे फैल रहा है कितने लोग उसको लेकर के अनकॉन्सियस हो गए हैं मतलब बहुत उतने अभी सीरियस नहीं हो गए मतलब इधर सीरियस सीरियसनेस थोड़ी खत्म हो गई है तो सर जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी कह सकते हैं कि हम लोग मोबाइल के थ्रू मैसेज करके या उनके जैसे कि अपने अकाउंट चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं उनके थ्रू हम ऐड करें जिससे और जागरूकता बढ़े तो कैसे स्पेस कंट्रोल और कर सकें हम चलिए ठीक है मोबाइल में हम लोग मोबाइल जो हमारा चार्जर होता है तो उससे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं और फिर उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम लोग चार्जर का जहाँ लगा रहता है उसके स्विच को ऑफ नहीं करते हैं छोड़ देते हैं ये सर तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि उसमें बिजली एनर्जी लॉस होता है कि नहीं होता है कुछ है क्या आइडिया आपको सॉरी सर इसका आइडिया ओके रेलवे ट्रैक है रेलवे ट्रैक पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर दिया जाए ठीक है ना तो क्या असर होगा रेलवे की बैटरी पर अगर विद्युत प्रवाहित कर दी जाए तो क्या होगा कहाँ तक विद्युत फैल कर जा सकती है पूरा तो ट्रैक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सर करंट फ्लो के लिए सब दो पास चाहिए होते हैं एक एक करंट जाता है दूसरे साइड से आता तो साथ है तो अगर दोनों कहीं एक जगह कनेक्टेड होंगे कहीं जाके कर दोनों दोनों के बीच में तब तो करंट फ्लो करेगा अगर लेकिन कहीं दोनों में दोनों अगर कहीं वो इंटर कनेक्ट नहीं होंगे तब नहीं करेगा बैटरी तो हमें लगता है सब सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही होती है सर कैसे जो पैरल ऐसे जाती है तो अगर इसमें फ़्लो करेंगे अगर ये पैटरी इसमें नहीं जाएगी तो सर करंट इसमें फ़्लो नहीं करेगा लेकिन अगर इंटरकनेक्ट हो जाएगी तब सर उसको रास्ता मिल जाएगा इसलिए फ़्लो करेगी सर ओके एक क्वेश्चन और हम लोग जब इंडक्शन चूल्हा पर खाना बनाते हैं तो उसका जो चूल्हा होता है वो गर्म नहीं होता है यस yes, सर लेकिन खाना बन जाता है गर्म हो जाता है ऐसा क्यों होता है सर इंडक्शन में सर जो कंडक्टर्स होते हैं उसको वो गर्म करता है जैसे कि हम वाटर रखते हैं तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो करंट वहाँ पास होता है सर उसके थ्रू होता है सर सॉरी इसका कॉन्सेप्ट मुझे भी पूरी क्लियर नहीं हो रहा है ओके प्लीज़ सर अच्छा आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है सर मदन मोहन मालवी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गोरखपुर अच्छा मदन मोहन मालवीय जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए जरा इतिहास में क्या है सर इतिहास में सर सर पहल, पहला ये है कि सर उन्होंने सर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी नाइनटीन में जिससे सर हमारे जो जैसे कि पहले एजुकेशन था वो काफ़ी सर ब्रिटिश ओरिएंटेड था उनके हम डिमांड्स को फुलफिल करते थे लेकिन उन्हें एजुकेशन की स्थापना करके जो इंडियन इंडियंस के और इंडियंस को सर जो एजुकेशन जैसे कि चाहिए था इंडियन और एजुकेशन थी उस, उसका उन्होंने किया सर दूसरा ये कि जब 1932 में सर जब सर जब एक्ट हुआ था सॉरी सर उसका सर उसका नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसमें सर ऑन uh, सर एक साइड ऑन द साइड ऑफ दलित दलित सर डॉक्टर अम्बेडकर ने साइन किया था और ऑन द साइड ऑफ पूना पैक्ट की बात करें सॉरी सर यस सर तो पूना पैक्ट में सर ऑन ऑन द साइड ऑफ दलित सर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साइन किया था और ऑन द अदर ग्रुप सर अदर हिंदू ग्रुप पे सर डॉ मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था और अच्छा और बताइए और सर उन वो सर चार बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर अध्यक्ष थे और सर लेजिस्टिव असेंबली के भी मेंबर थे सर नाइनटीन से नाइनटीन तक उन्नीस सौ उन्नीस में कोई कमेटी बनी थी क्या जिसके अध्यक्षता उन्होंने किया था शायद याद होगा आपको सॉरी सर एक चलिए आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट है आपका वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण में क्या अंतर होता है सॉरी सर इसका इंग्लिश क्या होगा ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जेड एक में एस सॉरी सर चलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याएं क्या क्या है सर पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर जो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी सर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है और सर अब दूसरी समस्या इसमें देखिए एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होने के बाद भी जो लैंड साइजेज हैं वो काफ़ी सर छोटे हैं जिससे माइग्रेशन काफ़ी सर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए सर वहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी सब हुआ रहे हैं अच्छा और आप इंजीनियर हैं Yes सर इंजीनियरिंग किया है आप भी इसके पहले आपने यूपी में सिलेक्ट भी हो चुके हैं तो इंजीनियरिंग का उपयोग कैसे करेंगे आप प्रशासन में सर आजकल ये देखा जा रहा है कि जैसे कि हमारी जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के बेसिस पे शिफ्ट करती जा रही है तो बींग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सर उसमें मुझे टेक्नोलॉजी को अडेप्टिटी से मेरी तेज रहेगी मैं इसको स्टेटस कोइजम नहीं शो करूँगा तो सर जिससे ये होगा कि जैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ई e गवर्नेंस आने से जैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स की बढ़ती है तो वो आने से सर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी सरासान हो जाएगी डोमिनट कास्ट कल्चर ये कंसेप्ट किसने दिया सर श्री एम एन श्रीनिवास जी ने दिया था श्री मतलब तो जिंदा है आपके हिसाब से नो सर सॉरी सर ओके और क्या क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं दूसरा उन्होंने दिया था uh -huh. डोमिनेंट कास्ट का उनकी कुछ फेमस किताबें के नाम सॉरी सर बुक का नाम मुझे नहीं आपके फेवरेट सोशोलॉजिस्ट कौन रहे हैं इंडियन और वेस्टर्न दोनों में सर वैसे तो मुझे मैंने जिनकी पढ़ी है सबकी कुछ ना कुछ योगदान रहे हैं बट अगर स्पेसिफाई करें तो सर आंद्रे बेते जी का कॉन्सेप्ट सर कास्ट क्लास एंड पावर का जो सेमेट्रिक रिलेशन उन्होंने दिखाया था इंडिया में वो मुझे सर काफ़ी रिलेवेंट लगता है आजकल के पर्स्पेक्टिव में और दूसरा सर आपको नहीं लगता कि बस जस्ट वो वेवेरियन मॉडल ऑफ पोलिटिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने इंडियन सोसाइटी पर इम्पलीमेंट कर दिया सर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सर आइडिया सर वहाँ से लिया था बट उस जो जैसे कि उनके पहले हम कास्ट क्लास और पावर का सर सेमेट्रिक रिलेशन देखते थे लेकिन इससे सोसाइटी चेंज हो रही थी जो जो चेंजेस थे बाकी सोशालजिस्ट ने वो इग्नोर कर दिया था फिर उन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू वो प्रूव किया कि कैसे ये चेंज हो रहे हैं वस्टहीन के बारे में सुना है yes. यस क्या है व्हाट इज का कॉन्सेप्ट सर मैक्स मैक्सवेवल ने दिया था इसमें सर इंटरप्रटिव मेथड यूज करते हैं मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सिंपली इतना ही है सोशल एक्ट को सर पढ़ने के लिए बस मेथड का यूज़ करते हैं क्या वही तो मैं जाना है क्या है क्या तो इसमें दो दो प्रोसेस यूज यूज होते हैं पहला ये कि है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे कि जो भी एक्ट सोशल एक्ट परफॉर्म होते हैं जो रिसर्चर होगा वो बाहर से उस एक्ट को ऑब्जर्व करेगा और दूसरा इसमें ये होता है कि सर वो वो एक्टर के शूज में जाके वो ऑब्जर्व करेगा कि अगर मैं उस जगह पर होता तो कैसे ये एक्ट परफॉर्म करता ठीक है एक सोशियोलॉजी में माइक्रो सोशियोलॉजी और माइक्रो इसका एक डिबेट रहा है यस yes, सर क्या है ये डिबेट और कौन कौन से विचारक दोनों अलग अलग आप उसको कैरेक्टराइज करें अलग करें आप डिफ्रेंशियट करें क्या है माइक्रो सोशियोलॉजी? क्या है माइक्रो सोशियोलॉजी? सर पूरी तरह क्लियर नहीं है बट इफ यू सेन आईडिया सर कैसे कि सर माइक्रो में सर हम लोग छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं छोटे छोटे मतलब पर्सन टू तो पर्सन इंटरेक्शन बेसिस पे देखते हैं और जो माइक्रो होता है वो सोसाइटी के लेवल पे जाके देखते हैं सॉरी सर इतना है? इतना माइक्रो में या माइक्रो में सब माइक्रो में रखेंगे माइक्रो yes, yes, okay. में बारे में आपने पढ़ाई है yes, इसका अगर मैं पूछूं कि क्रक्स एसेंस बताएं चार लाइन में क्या योगेंद्र सिंह दिखाना चाहते हैं इसमें क्या होगा वो सर क्रस्क सर ये कह रहे कि मॉडर्नाइस जो इंडियन ट्रेडिशन था वो टे, वो टोटली सर वो वेस्टर्न और मतलब वेस्ट का कॉपी नहीं है इंडिया में इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन है वो <coughs> वो इंडियनाइजेशन विथ मॉडर्नाइजेशन है मतलब जो हम लोग एडॉप्ट किए हैं वो न्यू ट्रेडिशनलिज्म जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ न्यू ट्रेडिशनलिज्म के फॉर्म में हुआ है कि मॉडर्न चीज़ों हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हम ट्रेडिशन भी कैरी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो कोई अगर कोई अगर अपर क्लास आदमी है तो अगर वो मसलिस खरीदता है तो वेस्टर्नाइजेशन का होगा बड़ी गाड़ी खरीद रहा है लेकिन अगर ले जाएगा मंदिर उसकी पूजा करवाएगा तो इंडियन वो ऑफ मॉडर्नाइजेशन इसमें दिखता है वो भी तो चर्च ले जाते हैं वो भी तो अपने जो भी उनके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उनका वहाँ भी इस तरह का कुछ ना कुछ होता है सर yes, हम अगर स्वास्थ्य का चिन्ह लगाते हैं तो वो भी बाइबल के बारे में कुछ उस पर आए लिख देते हैं बाइबल की बात सर वो तो वहाँ भी है ठीक है थैंक यू सर प्लीज ओके सोशियोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं तो एक दो सवाल वहीं से मैं भी पूछना चाहता हूँ मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी आपने पढ़ी होगी यस सर तो जो मैक्स वेबर की ब्यूरोसी है और आज जो एक ट्वेंटी सेंचुरी में ब्यूरोसी देख रहे हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या अंतर है क्या समानता और क्या अंतर है सर समानते ये कह है सकते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन तो अभी भी हायर की वो देखने को मिलती है दूसरा सर दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो जो कैसे कि वो जो जो पोजीशन आदमी एंजॉय करता है वो चेयर की पोजीशन होती है ना कि उसके इंडिविजुअल की, की पोजीशन होती है तो भी सर आज के आज के पर्सपेक्टिव में सर वो वैलिड है सर अगर दिफ्रें, अगर डिफरेंस की बात करें सॉरी सर डिफरेंस वही मुझे रिकॉल नहीं हो रहा ओके सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है तो मैं कुछ टर्म्स के बारे में आपसे जानकारी चाहता हूँ कास्ट वर्न और ट्राइब में क्या डिफरेंस है सर वर्नर सिस्टम जो है वो सर वो प्री वैदिक एज का सर वो, वो मतलब वर्ड है जिसमें सर जो पूरी पूरी जो व्यवस्था प्री वैदिक है यस सर ठीक है तो उस, उसमें सर ये कहा गया कि जो पूर, जो पूरी मतलब जो लोग हैं वो चार वर्डों में डिवाइडेड हैं फिर जब कास्ट आता है तो पोस्ट वैदिक पोस्ट वैदिक की फिनोमिना है जिसमें सब वर्डों के बीच में सर वो कास्ट बना दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑन मैं जानना चाहता हूँ कास्ट का कास्ट किसको कहते हैं ये कब हुआ था उसका नहीं मतलब है सोशियोलॉजी के छात्र के रूप में कास्ट को ट्राइब्स और वर्ण को कैसे आप अलग करेंगे सर कास्ट और वर्ण को कैसे डिफ्रेंश कर सकते हैं कि सर कास्ट वो उस ऑन द बेसिस ऑफ हायर होता है और सर वो तो सब में इनहेरिटेड होता है कास्ट सार्ण में, सार्ण में भी हाई है क्लास में भी हाई है वर्ना में भी हाई आर्की सर अगर सर कास्ट में देखें मेनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपेशन होता है और वर्ल्ड में सर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपेशन था बट वो सर इंटरचेंजेबल था वो लेकिन कास्ट में इंटरचेंज अलाउ नहीं होता है ये दोनों डिफ्रेंस था और सर कास्ट और सर ट्राइब में ये है कि जो ट्राइब्स हैं वो सर मेनली हम हम उनके बेसिस सब प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन जो परफॉर्म करते हैं उनको उस में देखते हैं और जिसमें हायर नहीं होती है उनके अंदर और सर कास्ट में होती है हायर ओके लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से सपोज दैट एक गरीब आदमी आपके पास आता है ठीक है और वह गरीब आदमी सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है उसके प्राप्त करने के लिए आपसे निवेदन करता है लेकिन उस योजना की चार शर्तें हैं चार शर्तों में से तीन शर्तें वह पूरी करता है लेकिन वह एक शर्त पूरी नहीं करता है और वह इतना गंभीर रूप से बीमार है कि अगर उसको तुरंत इलाज दो चार दिन में नहीं मिला तो वो मर जाएगा वह आपसे मदद मांगता है कि सर हमारी मदद करिए कैसे उसकी मदद करेंगे सर पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी शर्त तो पूरी नहीं कर पा रहा है अगर फाइनेंशियल की अगर प्रॉब्लम है जैसे फाइनेंशियल जैसे कि इनकम लेवल हो गया ये सब शर्त नहीं पूरी कर पा रहा है तो सर कैसे कि हम पीपीपी मॉडल का अपने भी कर सकते हैं एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं कि वो कॉन्ट्रीब्यू कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें उसका इलाज हो सके और दूसरा कैसे कि अगर किसी की कि आधार कार्ड वगैरह इसमें चल रहा है कि आधार कार्ड उसका मैच नहीं कर रहा है तो उसमें हम अदर आइडेंटिटी कार्ड यूज करके उसको मैच करवा सकते हैं तो सर कोशिश करेंगे कि जो योजना है सर उस उसको उसको, उसको किसी न मतलब उसको सर, सरकारी दायरे में रहते हुए उस योजना का लाभ दिया जा सके नहीं वो तो शर्त यही है कि जो चार शर्तें हैं चार में से तीन ही शर्त पूरी कर रहा है वो एक शर्त पूरी ही नहीं कर रहा है ये सर तो उस आधार पर तो सर उस योजना का लाभ ही नहीं मिल सकता है तो सर कैसे कि अगर जैसे कि मैंने कहा सर अगर फाइनेंशियल अगर नहीं पूरी कर पा रहा कैसे कि इनकम लेवल कैसे कि अगर हम आठ लाख लगा दें अगर सपोज करें उसकी इनकम अगर नौ लाख रुपये है तो सर अगर इलाज वही नहीं कर पा, करवा पा रहा है तो हम कैसे कि एन की हेल्प ले सकते हैं कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करवाइए या सर जैसे कि जैसे कि सर गवर्नमेंट भी स्कीम्स चलाती है जिसमें स्कीम का मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिसमें उसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है सी फंड या पी फंड से उस फंड से सब अप्लाई करवा के तो उसका इलाज करवा सकते हैं ओके थैंक यू थैंक यू सर थैंक थैंक यू सर